तो साडा चैनल सब्सक्राइब करो नाल ही दबाओ बेल आइकॉन। आ वे बिलाल ऐ निशात साले नु लियाओ बैंड तो उठो की यार बड़ा तंग करदा पिया लियाओ निशात शर्मा बैंड तुका वेख सुनील वेख साले ते वेख बस कर। मैं निखिल शर्मा दैनिक पंजाबी टीवी च तुहाडा एक बार फिर स्वागत करदा। पंजाब शिवसेना दे लीडरां नूं धमकियां आना कोई नवी गल नहीं है। अक्सर पंजाब च अजिहे मामले सुनन नूं मिलदे ने। इन्हां विचों कुछ सच्चे भी होंदे ने ते कुछ झूठे भी। पर हुण इक अजिहा मामला सामने आया जो कि हैरान करन वाला है। पंजाब दे विच शिवसेना हिंद दे राष्ट्रीय प्रधान निशांत शर्मा नूं एक अलग जे अंदाज दे विच धमकी मिली है। अजिही धमकी शायद ही इस तों पहलां किसे शिवसेना दे लीडर नूं मिली होवे, क्योंकि धमकी देन वाले ने पाकिस्तान दे नंबर तो व्हाट्सएप ते दो वीडियो भेजिया ने। इन्हां वीडियो दे विचों एक वीडियो च तां ओह एक खतरनाक हथियार दिखा रहा है ते नाल एक छोटा पिस्टल दिखा के निशांत दा नाम लैके धमकी दे रहा। पर इस दे नाल ही जिहड़ी दूसरी वीडियो है उस दे विच ओह खतरनाक हथियार चों गोलियां चला के निशांत दे नाम दियां धमकियां दे रहा। यानी कि किते ना किते इस वीडियो दे विच जो कुछ होया है वह जांच का विषय है। इस तो अलावा भी तुहानू दस दिए कि वीडियो दे विच गोलियां चलाने वाले शख्स ने मूंह भी नहीं ढकिया, यानी कि वह बेखौफ सी। ते जेकर निशांत दी मनीए तां इह वीडियो पाकिस्तान च बनिया ते पाकिस्तान तो ही उन्होंने भेजा गया। फिलहाल उन्होंने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ने, क्योंकि निशांत शर्मा ने साडे नाल गलबात के दौरान खुद दस्सिया कि वह पुलिस के सुरक्षा इंतजामों तो संतुष्ट ने। किस तरीके की वीडियो है वह भी तुहानू दिखाने, उस तो बाद तुहानू सुनाने। दैनिक मेल पंजाबी टीवी ने निशांत शर्मा नाल जदों गलबात की ते उन्होंने की कहा। सब तो पहला व्हाट्सएप ते धमकाया, फिर व्हाट्सएप ते कॉल की, फिर भी जो निशांत शर्मा नहीं डरिया फिर उसनू फोटोआं भेजियां वह भी खतरनाक हथियारां दे नाल। इस नाल भी जो गल नहीं बनी तो फिर भेजी वीडियो, एक जिही वीडियो जिसने पंजाब की खुफिया एजेंसियों नू भी सक्रिय कर दिता है, क्योंकि पंजाब के एक शिवसेना नेता का नाम लैके गोलियां चलाईया जा रही सी। भावें यह वीडियो सिर्फ धमकाने लई बनाई गई होवे पर इस दे नाल सनसनी तां फैलनी ही सी। तुहानू दस दिए कि शिवसेना हिंद दे नेता दा दावा है कि उस दे नाल नाल उस दी पार्टी दे होर लीडरां दे नाम दियां धमकियां भी दित्तियां गईयां ने। पर सब तो वड्डा सवाल, अजिही वीडियो अज तक कदे सामने नहीं आई जिस दे विच शिवसेना लीडरां नू इस तरीके दे नाल धमकाया गया होवे। अगलियां वीडियो दे विच तुसीं आप ही देख लवो कि इस तरीके दे नाल दित्ती गई धमकी। उस तो बाद तुहानू दिखाने आ शिवसेना हिंद दे राष्ट्रीय प्रधान निशांत शर्मा ने इस धमकी दी वीडियो बारे की क्या। बड़ा तंग करदा पिया लियो लियो सूरा बैंड चो नंबर इस्तेमाल लै लिया। निशांत शर्मा बैंड तुका वेख सुनील वेख साले जी। इस पूरे मामले च शिवसेना हिंद के राष्ट्रीय प्रधान निशांत शर्मा साडे नाल जुड़ चुके ने। जी निशांत जी, पहले तो दैनिक भाई पंजाबी टीवी ने तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। निशांत जी, एक जानकारी दो, जिहड़ी वीडियो सामने आई है कि तुहाडा नाम लैके एक शख्स पहला तो वैपन दिखा रहा है, एक वीडियो दे विच गोलियां चला रहा है, की मामला है? देखो, मेरे मोबाइल ते पाकिस्तान तो लगातार थ्रेट कॉल आ रही है जी, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਗੌਤਮ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਰਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਕਈ ਕਾਲ ਠੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਲਿੰਗ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਖਰੜ ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਰਾ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ,
जी पर निशान जी आखिर तुहानू ही क्यों जिहियां धमकियां आ रही क्योंकि अक्सर तुहाडे जिहड़े बयान है वह काफी कई बार अग्रेसिव भी हो जाते कि कोई बयान अजिहा तुसीं दिता या फिर की वजह लगती है तुहानू? देखो मैं तो कोई बयान नहीं दिता है जी। जी आम तौर ते जो जून का महीना चलता है घलूवाला का चलता है उन्होंने दिनों सैट वगैरह बढ़ जाती है वैसे ऐसा भी कोई गल नहीं है। पर पाकिस्तान जिदा दसिया जा रहा कि वीडियो तुहानू की लगता पाकिस्तान की वीडियो है जी? हाँ जी पाकिस्तान का ही नंबर सी जी प्लस 92 नंबर है जी। ते अपने आप नू हाफिज रिश्तेई दा वो रिश्तेदार दसदा है अपने आप नू जी जेड़ा मुंडा है जी। उसको अलावा होर भी कई कॉल आईया ने जर्मन तो कैनेडा तो इंग्लैंड तो कॉल आईया ने जी। वो लोग भी काफी जान तो मारन दे धमकियां दे रहे ने इवन की मेरे घर का एड्रेस भी दस रहे ने कि तू खरड़ फलानी जगह मोहाली फलानी जगह रहना है जी। तो मेरी अफसर ना भी गल हुई है मेरी मैं विश्वास है पंजाब पुलिस के बीच उन्होंने मेरी सिक्योरिटी बिल्कुल सीख की हुई है जी। जब तक मान नहीं डीजीपी दिनकर गुप्ता जी है एसएसपी कुलदीप सहल वर्गे अफसर है साडे मैं असि सेफ हाँ जी। इन्ह लोगों ने इंटेलिजेंस साडा मजबूत है इन्होंने साडी सिक्योरिटी पूरी मजबूत की हुई है जी। इन्हां दे जिहड़े लोग माहौल खराब करना चाहते इन्हां दे मनसूबे कदे कामयाब नहीं होंगे जी। निशान जी आम तौर दे उत्ते कई मामलों सारे बारे नहीं मैं कहना कई मामलों दे विच सिक्योरिटी नूं लैके इहो जिहे कई चीजा सामने आउंदियां सानू धमकी आई है सानू वह आया सिक्योरिटी नूं लैके अक्सर उंगलियां उठदियां कि सिक्योरिटी लैण लई कुछ लोग ड्रामा करदे ने पर जिहड़ा तुहाडे वाला मसला च बकायदा वीडियो आई है वीडियो च बंदा गोलियां चला रहा तुहाडा नाम लैके वैपन भी जिहड़े उह साधारण वैपन नहीं हैगे तुहानू की लगदा वै कि किस मकसद दे नाल वीडियो बना के तुहानू भेजना और पाकिस्तान दे नंबर तों भेजना की मकसद लगदा? देखो ये लोग मेनू मारना चाहते है मारन गए हिंदू हर्ट होंगे हिंदुआ का माहौल खराब होगा पंजाब का माहौल खराब होगा इस करके वीडियो पा रहे ने इस करके मारना चाहते बेसिकली मेनू जी। मैं इन्हों साफ कहना जे मेनू मारन नाल हिंदुस्तान से पाकिस्तान का मसला हल हों मैं अपनी शहीदी देने तैयार हाँ जी। जे मेनू मारन नाल इन्हों का मसला हल हों मैं अपनी शहीदी देने तैयार हाँ जी। पर शिवसेना हिंद इन्हों के मनसूबिया से कदे फाइनल इन्हू कामयाब नहीं होगी। सा अपना मकसद है सनातन धर्म की रक्षा करना गौ माता की रक्षा करना देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जेडे लोग बोलते उन्होंने खिलाफ असी डट के मुकाबला करांगे चाहे कोई भी होवे चाहे AK-47 की गोलियां की फायरिंग करे चाहे सामने आके फायरिंग करे बस एक बेनती है गल करनी है तो सामने आके करे पिछे पिछे बार ना करे सामने देखांगे सामने कौन किदा की कर रहा है। ते फिलहाल इस वीडियो दे आन तो बाद जिवें कि तुसीं दस्सिया डीजीपी साहब नूं भी जानकारी दित्ती है ते पंजाब पुलिस दे होर आला अफसरां नूं भी इस गल दी जानकारी है कि तुहाडी सिक्योरिटी नूं लैके तुसीं संतुष्ट हो कि तुहाडी सिक्योरिटी दे इंतजाम जिहड़े पुख्ता ने? देखो मैं अपनी सिक्योरिटी नूं लैके हमेशा संतुष्ट हां जो सरकार ने देखना है कि सिक्योरिटी किन्नी देनी है किदा देनी है जी। मैं अज तक कदे सरकार तो सिक्योरिटी नहीं मंगी कि मैनूं सिक्योरिटी दिओ इन्नी दिओ इस कैटागरी च दिओ जी। जो अफसरां नूं सही लगदा है साडे अफसर मानयोग आई जी साहब साडे रेंज दे जिहड़े हैगे ने सारे अपने तरीके नाल अफसर साहिबान जिहड़े साडे वार वार आ रहे ने कोई गल नहीं है सारा मैं सैटिस्फाइड हां जी। ते इहदे पिछे कोई होर कोई वजह तां नहीं लगदी क्योंकि पिछे जो असीं गैंगस्टर दे खिलाफ भी मुहिम चलाई सी तो काफी कई गल्लां हैगियां तुहानूं की लगदा क्योंकि तुहाडा डायरेक्ट कोई वास्ता हैगा उहनां बंदे दे नाल जिन्हां ने तुहानूं थ्रैट दित्ती है? ना मेरा किसी गैंगस्टर ना किसी अतवादी का मेरा गैंगस्टर की होना है जी। ठीक है गैंगस्टर के खिलाफ मैं एक गैंगस्टर नु अपील की थी कि तुसी लोग सरेंडर कर दो जी। देखो मेरा बयान सीगा तुसी सरेंडर कर दो जी मतलब थोड़ा हाल भी विक्की गोंडर वर्गा होना मीन्स की थी जी। थोड़ा भी एनकाउंटर होगा एनकाउंटर हो जाएगा दुनिया तो चले जाऊंगे जी बिल्कुल सरेंडर कर दोगे कोर्ट च जाऊंगे रब ना करे सजा होंगी है सजा होने तो अभी बरी हो गए अपने परिवार वापस आ जाओगे जी जी जी। अपील की थी गैंगस्टर्स नु जी। चलो तुसी जेड़ा तुहाडी जिवें कि तुसी दस्सिया कि तुसी अपनी सिक्योरिटी नूं लैके जेड़ा पुख्ता वा हो ते इस वीडियो नूं लैके एक गल दी जानकारी होर दे रहे हो कि इह किन्नियां वीडियो जिहड़ियां हैगियां वा ओह आईयां क्योंकि दो वीडियो जिहड़ियां ओह तुहाडे कोल पहुंचियां ने इस तों अलावा भी कुछ वीडियोज आईयां ने? जी होर भी वीडियोज ने होर भी कॉल रिकॉर्डिंग्स ने जिहदे विच बकायदा मेरा एड्रेस बोल रहे आ जी मेरे कुछ साथियां नूं मारन दी गल कर रहे आ जी ते कुछ वीडियोज मैं दस नहीं सकदा तुहानूं गाला कढ रहे इहदे विच जी। ठीक है फोटो पा रहे कई ऑटोमैटिक वेपन्स दे नाल होर भी कई टेररिस्ट हैगे ने जी पा रहे ने ते पाकिस्तान जिहड़ा नापाक हरकतां करदा इन्हां दा कोई ओ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਮਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ?
ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨੇ, ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, 3 ਘੰਟੇ ਚ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਓ। ਸੱਤ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਚ ਕਰੋ, ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋਮੈਕਸ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖੋ। 7082844950। ਪੰਡਿਤ MK ਸ਼ਰਮਾ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਪੰਡਿਤ MK ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਾਓ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ। ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 97793995956।